मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से वाकिफ हैं आप लोग? जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा होगा जो हमें बेसिक फोर पीस के बारे में बताता है। वो फोर पीस क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इसी तरह दौर अब बदल चुका है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को ले चलते हैं सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज की तरफ। जी हाँ, आज हम आपको सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना फारूक और आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान। तो आज बात करेंगे सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज के बारे में। जी हाँ, हम इंस्टाग्राम के बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस तरह मार्केटिंग में फोर पीस ज़रूरी हैं, इसी तरह इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग के लिए फोर सीज ज़रूरी हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे इंस्टाग्राम के फोर सीज के बारे में। पहला सी, क्रिएटर माइंडसेट। दूसरा सी, कंटेंट स्ट्रेटजी। तीसरा सी, कंसिस्टेंसी। और चौथा सी, कोलैबोरेशन। जी हाँ, इन चार चीज़ को फॉलो करके आप बना सकते हैं अपनी वीडियो को वायरल। अब हम बात करेंगे पहले सी के बारे में। पहला सी हमारे पास था क्रिएटर माइंडसेट। देखिए, जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपके माइंड में तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आप एक आइडिया एग्जीक्यूट करते हैं। जी हाँ, आप वो आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद आप उसको इम्प्लेंट करेंगे। उसके बाद आप जाकर कहीं उस आइडिया को इम्प्लेंट करने के बाद वायरल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, किस चीज़ पे बना रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है और आपको उस टॉपिक को कैसे आगे लेकर चलना है। तो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वीडियो बनाना चाहते हैं, मेकअप वीडियोस बनाना चाहते हैं या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अपने किसी ब्रांड को करना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए भी ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आप मिसाल के तौर पर एक कुर्ती बेच रहे हैं या फिर आप मेकअप बेच रहे हैं, तो आपको उस मेकअप को खुद यूज़ करके दिखाना है। अब आप अपने माइंड में एक आइडिया सोच लेंगे कि आपने इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट इस तरह से लेकर चलना है। आप एक वीडियो बनाएंगे, उस पर मेकअप करके दिखाएंगे, उसमें उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। बहुत सी लड़कियाँ इस तरह इंस्टाग्राम पर कमा रही हैं अपने अच्छे पेजेस रन करके। आप उन वीडियोस को आगे फर्दर लेकर चल सकते हैं। जिस तरह आप उन वीडियो के लिए कुछ भी कंटेंट ले सकते हैं, कोई थीम ले सकते हैं, जैसे आजकल PSL के बारे में बहुत मशहूर है कि आप एक TikTok वीडियो या रील बनाएं और इंस्टाग्राम के थ्रू आप उसे वायरल कर लें। जी हाँ, उसमें आपको प्राइसेस भी मिलते हैं। लेकिन ये हो गई एक मिसाल की बात, हम बात कर रहे हैं किसी भी तरह की वीडियो के बारे में। ये एक थीम थी, आप कोई भी थीम ले सकते हैं। आपको हेलोवीन पसंद है, आपको कोई भी आइडिया पसंद है, आप उस थीम बेस पे अपनी वीडियो बना सकते हैं। उसकी आपने एडिटिंग करनी है। जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपके आइडियाज़ उसमें इम्प्रिंट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, कैसी नहीं, वीडियो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका साउंड कैसा होना चाहिए। मेक श्योर आप जो साउंड यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेंडिंग और वायरल होना चाहिए। अब बात करेंगे इंस्टाग्राम के दूसरे सी की। दूसरा सी होता है कंटेंट स्ट्रेटजी। आप किस चीज़ पर कंटेंट बना रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी उसको कैसे लेकर चलने की है और कैसे आपने उसको ग्रो करना है, ये आपके अपने हाथ में होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बना रहे हैं, आपके रील्स का कंटेंट होगा पोइट्री या फिर एस्थेटिक वीडियोस, या जिस तरह वो लड़कियां जो एस्थेटिक शॉट्स लेकर देसी कल्चर को प्रमोट करती हैं, इस तरह आपने क्या करना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपका किस तरह का कंटेंट पसंद किया जा रहा है, किस तरह का ट्रेंड वायरल चल रहा है, किस तरह का ट्रेंड ट्रेंडिंग में चल रहा है, आपने इस चीज़ को पूरे पूरे ध्यान में रखना है कि आपने उसी वीडियोस को आगे लेकर चलना है। डे बाय डे इम्प्रूव करना है, अच्छी एडिटिंग एप्स इस्तेमाल करनी है। वॉइस ओवर दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड का ध्यान रखना है और एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है जिसे देखकर लोग आपकी वीडियोस देखें भी और आपको फॉलो भी करें और दूसरे ब्रांड्स आपके साथ ब्रांडिंग के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकें। अब चलते हैं इंस्टाग्राम के तीसरे सी की तरफ। तीसरे सी की बात करें तो तीसरा सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कोलैबोरेशन। आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कितना अच्छा है, ये कोलैबोरेशन उसी पे बेस करती है। अगर आपने इंस्टाग्राम के दो सीज अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपका ये तीसरा सी खुद चलकर आपके पास आएगा। बिल्कुल, ये तीसरा सी आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेगा। डिफरेंट ब्रांड्स, अगर आप वीडियो बना रहे हैं क्लोथिंग की, मेकअप की, डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है, आपको मेकअप ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे, आपको क्लोथिंग ब्रांड्स भी अप्रोच करेंगे। अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल बहुत अच्छी है तो आपको मीडिया क्लब से, डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से भी ऑफर आ सकती है, वो आपके साथ कोलैब कर सकते हैं। डिफरेंट चैनल आपको हायर कर सकते हैं कि आपकी सिनेमाटोग्राफी कितनी अच्छी है और आप कितना अच्छा उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं।
इस तरह कंटेंट की ब्रांडिंग और कलेबोरेशन चलती है। आप अपनी इंस्टाग्राम पे एड्स चलवा कर भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। टारगेटेड ऑडियंस मीडिया वालों को ही रखें या जिस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं उन्हीं को रखें, ताकि उसी तरह के ब्रांड्स आपसे कोलैब कर सकें। जब आप कोलैबोरेशन करते हैं तो ना सिर्फ आपका कंटेंट प्रमोट होता है बल्कि ब्रांड वालों का भी कंटेंट प्रमोट होता है। इस तरह से एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं। चलते हैं इंस्टाग्राम के चौथे सी की तरफ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि तीसरा सी यानी कोलैबोरेशन करने के लिए आपको पहले दो सीज को फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपकी कोलैबोरेशन कामयाब होगी। इसी तरह अगर आप चौथा सी यानी कि कंसिस्टेंसी, जी हाँ चौथा सी है कंसिस्टेंसी, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पिछले तीन सीज भी बेकार और नाकाम रहेंगे। आपने कंसिस्टेंट होकर काम करना है। हर चीज़ में कंसिस्टेंसी रिक्वायर होती है, क्योंकि जब तक आप लोग एक चीज़ के लिए कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे आप लोग उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ख्वाब वो नहीं होते जिन्हें देखने के लिए सोना पड़ता है, ख्वाब वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हैं और फिर उन्हें पूरा करते हैं। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में ज़रूरी होती है। आप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लगाएंगे, अगर आप उसे एक दो हफ्ते का गैप लेकर लगा रहे हैं तो आपकी वो कोलैबोरेशंस भी डाउन जाएंगी। आपकी कितना ही अच्छा कंटेंट क्यों ना हो, आपका वो कंटेंट उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए। इसके बरक्स अगर आप वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहे हैं, उसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो जल्दी वायरल होगी, जल्दी दुनिया की नज़रों में आएगी और जल्दी आपको ब्रांडिंग कोलैबोरेशंस मिलेंगी जिससे आप अपने आप को ग्रो कर सकेंगे और इतनी ही एज में अर्न कर सकेंगे जिस तरह के बाकी इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह आप इंस्टाग्राम के चार सीज़ को फॉलो करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया जाए, ऐसी ही टेक्निक्स के बारे में बताया जाए, ऐसी ही टिप्स दी जाएँ, तो ग्रो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।